नमस्कार, केपी कॉलेज आहूर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत अभिनंदन। पिछली क्लास में हम बीए अंतिम वर्ष में गद्य विधाओं में रिपोर्ताज, रेखाचित्र, जीवनी व आत्मकथा को लेकर पढ़ा था। आज हम उपन्यास को लेकर पढ़ेंगे। उपन्यास और कहानी प्रारंभ में अधिकतर जो लोगों की यही धारणा थी कि उपन्यास और कहानी क्या है, एक ही विधा है। उपन्यास और कहानी एक ही विधा है। प्रारंभ में उपन्यास कहानी को एक ही विधा समझते थे, लेकिन जैसे जैसे कहानी की भाषा शैली का विकास होता गया, वैसे उपन्यास से उसका जो पार्थक्य है वो अलग से झलकने लगा या अलग से दिखने लगा। तो प्रारंभ में कहानी और उपन्यास को एक ही विधा समझा जाता था, लेकिन जैसे ही कहानी की भाषा शैली का विकास होता गया वैसे ही उपन्यास से उसका जो पार्थक्य है वह अलग से झलकने लगा। कहानी में जीवन के किसी संवेदना की अभिव्यक्ति होती है। कहानी में जीवन के संवेदना की अभिव्यक्ति होती है। किसमें? कहानी में। कहानी में जीवन की संवेदना की अभिव्यक्ति होती है। उपन्यास में समग्र जीवन की अभिव्यक्ति। तो उपन्यास में समग्र जीवन की अभिव्यक्ति होती है। उपन्यास है वह पाश्चात्य देशों की देन है। उपन्यास पाश्चात्य देशों की देन है। बालकृष्ण भट्ट ने कहा है कि जिस तरह से हम दूसरी भाषा की नकल करते हैं, वैसे ही उपन्यास भी एक क्या है, दूसरी भाषा का ही दृष्टांत है। कहानी उपन्यास को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है। प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मानकर उपन्यास को तीन भागों में बांटा गया है। प्रेमचंद जी को केंद्र में रखकर, पहला है प्रेमचंदोत्तर युग, प्रेमचंद पूर्वयुगीन उपन्यास। दूसरा है प्रेमचंद युगीन उपन्यास। और
अंतिम प्रकार है प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास। प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास प्रेमचंद पूर्व युग उपन्यास की जो समय सीमा है वे सन 1882 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। प्रेमचंद युगीन उपन्यास की समय सीमा है सन 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास की जो समय सीमा है वे सन 1936 ईस्वी से अब तक। हिंदी का जो पहला अनुदित उपन्यास है वह वंशीधर के द्वारा लिखा गया सर थॉमस डे का एक उपन्यास है सैंडफोर्ड मर्टन का अनुवाद है। ये अनुदित उपन्यास है। हिंदी के मौलिक उपन्यास को लेकर विद्वानों के बीच में मतभेद देखने को मिलता है। हिंदी के पहले दो मौलिक उपन्यास हैं, जिस एक है सरदाराम फुलेरी के द्वारा लिखा गया मौलिक उपन्यास, सरदाराम फुलेरी के द्वारा लिखा गया भाग्यवती सन 1877 ईस्वी में लिखा गया। फिर दूसरा मौलिक उपन्यास है वह लालाश्री निवासदास के द्वारा लिखा गया लालाश्री निवासदास के द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु सन 1882 ईस्वी में। ये दो मौलिक उपन्यास है। कालक्रम के दृष्टि से देखा जाए तो सरदाराम फुलेरी जी के द्वारा लिखा गया भाग्यवती हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, लेकिन प्रथम जो मौलिक उपन्यास भाग्यवती को न मानकर लालाश्री निवासदास के द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु सन 1882 ईस्वी में लिखा गया, इसको हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है। प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यास में उपन्यास लिखने का जो मुख्य उद्देश्य है वह मनोरंजन रहा है। प्रेमचंद पूर्व युग में जो उपन्यास लिखने का जो मुख्य उद्देश्य है वह मनोरंजन है। तो प्रेमचंद पूर्व युग में उपन्यास लिखने का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन है। मनोरंजन के साथ साथ इस युग में ऐतिहासिक सामाजिक तिलस्मी व अय्यारी उपन्यास भी लिखे गए। तिलस्मी अय्यारी व जासूसी उपन्यास भी इस युग में लिखे गए। किस युग में? प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यास में। मनोरंजन के साथ साथ तिलस्मी अय्यारी व जासूसी उपन्यास भी लिखे गए। तिलस्मी अय्यारी का मतलब होता है रहस्यमय उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व युग में तिलस्मी व अय्यारी उपन्यास का अर्थ है रहस्यमय उपन्यास। तिलस्मी व अय्यारी उपन्यास के जो प्रवर्तक थे तिलस्मी व अय्यारी उपन्यास के जो प्रवर्तक है वह बाबू देवकीनंदन खत्री। बाबू
देवकी नंदन खत्री। इस युग में बाबू देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यासों को पढ़ने के लिए प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यास में सबसे आदर के साथ सबसे सम्मान के साथ जिस उपन्यासकार का नाम लिया जाता है वह है देवकी नंदन खत्री। इस युग में बहुत से अहिंदी भाष्य के लोगों ने देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी को सीखा। अहिंदी भाषियों के लोगों ने अहिंदी भाष्य के लोगों ने अहिंदी भाष्य के लोगों ने देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास को पढ़ने के लिए देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास को पढ़ने के लिए अहिंदी भाष्य के लोगों ने हिंदी को सीखा। हिंदी को सीखा बाबू देवकी नंदन खत्री जी के द्वारा लिखे गए उपन्यासों में खत्री जी के उपन्यासों में चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूत नहाथ, काजर की कोटरी, आदि इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास है। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, काजर की कोटी आदि इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास है। उसके बाद जासूसी उपन्यास के जो प्रवर्तक है, जासूसी उपन्यास के जो प्रवर्तक है वह है गोपाल राम गमरी। गोपाल राम गमरी, गोपाल राम गमरी जासूसी उपन्यास के क्या है, प्रवर्तक है। जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक गोपाल राम गमरी, गोपाल राम गमरी जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक है। इन पर अंग्रेज उपन्यासकार, अंग्रेज उपन्यासकार ऑर्थर कानन डायल का सर्वाधिक प्रभाव, सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो जासूसी उपन्यास के जो प्रवर्तक है वह गोपाल राम गमरी है। गोपाल राम गमरी एक अंग्रेज उपन्यासकार है जिसका नाम है ऑर्थर कानन डायल। ऑर्थर कानन डायल से वे बेहद प्रभावित थे। ऑर्थर कानन डायल से गोपाल राम गमरी है वे बेहद प्रभावित थे। इनके द्वारा जो लिखे गए उपन्यासों में जासूस की जासूसी, खूनी कौन, सरकटी लहास, सरकटी लहास आदि इनके द्वारा लिखी गई
उपन्यास है, आदि इनके द्वारा लिखी गई उपन्यास है। नेक्स्ट इससे आगे अगली क्लास पे पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों।